साथियों नमस्कार, वेलकम टू गौरव कुमार टोंडक यूट्यूब चैनल। भाइयों, आपके सामने जो गन्ना है आप देख रहे होंगे, ये हमारी ट्यूबवेल है और सामने ये गन्ना पूरी पड़ी, आपको कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा। ये है गन्ना वैरायटी 1523। ये वैरायटी 1523 है और आपके सामने है गन्ना। ये गन्ना बीज में जा रहा जी, ये मेरे पास लगभग 500 मीटर एरिया में थी, है बल्कि ये मुझे किनोनी मिल से बीज मिला था पिछले साल असोजा। तो ये असोज का गन्ना लगा हुआ था, ये 1523 वैरायटी है। मुझे गन्ने मिले थे 2 क्विंटल और वो 2 क्विंटल मैंने जी गोले पत्ती समेत थे, वो 2 क्विंटल जो थे, तो वो 2 क्विंटल गन्ने मैंने जो है उन 2 क्विंटल गन्नों से जो है अपना ये 500 मीटर का लगभग एरिया है, इसमें मैंने इसकी बिजाई करी। एक एक आँख, दो दो आँख के टुकड़े काटे थे, ये बहुत सा एक आँख का था, बहुत सा दो आँख का टुकड़ा था, पेड्डी का गन्ना था, बहुत मोटा गन्ना था उस टाइम। अब ये गन्ने की मोटाई नीचे से कम है और ऊपर से देखो कितना मोटा है गन्ना। यही मोटाई उस टाइम उस गन्ने की थी जो मैंने बोया था, पेड्डी का गन्ना था, वो अक्टूबर में मिला था, 7-8 अक्टूबर को मैंने बोया था सोज में। और अब इसकी कटाई हो रही और मैंने ये ट्रेंच मेथड से, ट्रेंच क्या 26×52 इंची पर लगा रखा और मैंने इस पर मिट्टी चढ़ा रखी, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो हमारे यहाँ थोड़ा बंदर का हिसाब किताब ज़्यादा रहा, बंदरों ने ज़्यादा ख़राब करा है गन्ना, लेकिन फिर भी बीज के लिए था, इसमें से कुछ बीज तो मैंने सेल कर दिया। अब बाकी जो बच रहा है इसको मैं बोऊंगा, थोड़ा सा और जाएगा एक जगह, लेकिन मिल वाले जो थे उन्होंने हमें ये 1250 रुपये क्विंटल दिया था, मतलब 1700 रुपये क्विंटल के पैसे लिए थे, फिर सब्सिडी आई थी 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो 1200-1250 रुपये क्विंटल बीज ये हमें दिया था उन्होंने। लेकिन अब फैक्ट्री क्या काम कर रही, मिल रेट पे जो है लोगों को, किसानों को गन्ना उपलब्ध करा रही। अब हम भी, जिसको कोई हमारे से बीज ले रहा था वो भी हमें यही कह रहा कि भाई मिल रेट पर लेंगे, अब हमारी मजबूरी है मिल रेट पर देना ही, नहीं तो हम इतने गन्ने का क्या करेंगे, नहीं तो कम से कम ये 500-600 रुपये क्विंटल जाना चाहिए था गन्ना, हमारा भी मिल रेट पर जा रहा। तो लेकिन मैं गाँव से बाहर किसी को नहीं दे रहा, हमारे गाँव में ही है जो कुछ जा रहा है, 2-4 आदमी बोलेंगे, कुछ मैं बोलूँगा। लेंथ काफ़ी बढ़िया गन्ने की, आप ये देखो, ये गन्ना यहाँ से शुरू है और आप ये देखो इस गन्ने की लंबाई देखो कहाँ तक है, मैं आपको दूर से दिखा दूँ, पास से तो आपको थोड़ा वैसे ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो देखो पूरी, देखो कितनी लंबी इसकी, और वजन है गन्ने में, नीचे से पतला गन्ना है, ऊपर से गन्ना मोटा है। इस गन्ने की एक सबसे बड़ी कमी है, ये गन्ना रुकता नहीं है बिल्कुल भी, देखो पूरा गिर रहा, और चौड़ाई पे बुने के बावजूद गिर रहा, देखो एक लाइन ये री और एक लाइन ये री, और मैंने ये दो लाइन मर्ज करके बांध रखी लेकिन फिर भी नहीं रुक रही। अच्छा, गन्ने का जमाव बहुत बढ़िया हुआ था, ब्यात इसमें बहुत गजब था, पर 38 को टक्कर नहीं देने का ये गन्ना, मुझे नहीं लगता, बाकी आगे समय बताऊंगा जी। फिलहाल जब बीज है तो बोएंगे हम भी, ज़्यादा नहीं, 2.5-3 बीघे खेत बोऊंगा, और मैं सोच रहा इसको दूसरे मेथड से बोने की, इस बार मेरा विचार है इसको रिंग पिट से बोने का। बात तो करी एक जगह, अगर रिंग पिट डिगर मिल गया तो उससे गड्ढे बना के इसको रिंग पिट से बोने का विचार है, कुछ ईयर कुछ 38, वो जो मेरा मेथे वाला खेत है जिसमें मैंने मेथा लगा रखा उसमें, तो देखेंगे रिजल्ट क्या रहेगा। अभी तक इसमें से लगभग जो है जी 22 और 3 25 और ये गन्ने हो जाएंगे, जो भी होंगे 5 क्विंटल के आसपास हो जाने चाहिए, तो लगभग 30 क्विंटल गन्ने के इस आसपास इसमें से जो है कट जाएगा। और ये थोड़ा सा एरिया है, 500 मीटर के आसपास होगा, ये इतना ही नफा था, कुछ कम हो सके 10-20 मीटर ज़्यादा हो सके, और 60 क्विंटल का एवरेज खेत में आना चाहिए। अगर 60 का एवरेज आ गया
तो ठीक है वजन तो, पर लेकिन समस्या इसमें यह है कि ये गिरने वाली बात है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि गन्ना नीचे से बारीक है, ऊपर से बहुत मोटा है, वजनी है ऊपर से। और गिरने वाला गन्ना, ऐसा नहीं है कि देखो वजन नहीं दे रहा, वजन तो दे रहा, लेकिन जैसे गिर जाए तो हमारे यहाँ चूहे की समस्या, गिद्दड़। अच्छा नरम बहुत है, ये बहुत नरम गन्ना है, इतना नरम है कि जैसे दाँती लगे इसमें तो आवाज़ ऐसी आ, जैसे आप रुई में कपास में कर रहे हो। अभी देखो ऊपर से, ये देखो इसका अगोला कितना मोटा है, ये देखो ये देखो, ये नरम गन्ना होने की वजह से, एक तो इसमें जो खेत में जंगली जानवर रहेंगे उनकी समस्या ज़्यादा रहेगी, बाकी वजनदार गन्ना है देखो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताऊँ, और अगर मैं लगाऊँगा तो अगले साल फिर सेल करूँगा, बीज ही तैयार करूँगा बढ़िया, और जैसे भी गन्ना लगेगा इसका पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर दिखाया जाएगा। अगर रिंग पिट व डिगर मिल गया तो रिंग पिट से लगाऊँगा फिर मैं इसे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा 15023 गन्ना कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा कमेंट करें, और अपने इसके बारे में थोड़ी सी राय ज़रूर दें कि भाई हमारे क्षेत्र में तो देखो गन्ना हो तो अच्छा रहा हो, लेकिन गिरने वाली समस्या जो है इसकी थोड़ी परेशानी है। बाकी आप लोगों के क्षेत्र में गन्ना कैसा हो रहा वो ज़रूर बताऊँ, तो कुछ राय जो होगी, भाई मैं सोच रहा है इसको रिंग पिट से बोने की वो ठीक है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।